स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए, आज जो है हमारे पास में टॉपिक जो चल रहा है कैपेसिटर के क्लोज। जब आपके पास में दो बैटरी लगी हुई है, कोई भी क्लोज लूप है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, कैपेसिटेंस, सॉरी चार्ज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। तो हम उसके निकालने के लिए, पोटेंशियल या चार्ज को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किरचॉफ्स रूल का। ठीक है, किरचॉफ्स रूल देखो हम सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर हम किसके यूज करेंगे, रेसिस्टेंस के बीच में। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटर। अगर आपके पास यहाँ, क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं किसके, कैपेसिटर, अगर आपके पास में क्या है, दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और उनके बीच में क्या लगा रखी, बैटरी लगा रखी है, दो या दो से अधिक बैटरी लगा रखी है, तो उसको सोल्व करने के लिए उनके बीच का पोटेंशियल, किसी भी चार्ज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, चार्ज निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किरचॉफ्स रूल। यहाँ किरचॉफ्स रूल जो है, हम बात करेंगे दो टाइप्स के रूल्स होते हैं किरचॉफ्स रूल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में आता है कौन सा रूल है, जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। एंड सेकंड आता है लूप रूल। ठीक है, ये दो रूल्स आते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जंक्शन रूल क्या होता है। जंक्शन रूल के अंदर हम क्या बताते हैं, किसी भी कैपेसिटर के अंदर से, यानी कि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा, वो वहां से निकल जाएगा। मान लो ये क्या है, हमारे पास में एक जंक्शन है, यहाँ से चार्ज कितना आया था, क्यू चार्ज आया था, यहाँ पे जाके इसके दो पास आ गए, एक पास इधर जा रहा है, दूसरा पास इधर जा रहा है, तो यानी किससे, क्यू वन और क्यू टू में डिवाइड हो गया। तो क्या कह रहा है इस पॉइंट, यानी चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड इन नेचर रहता है। कंजर्व्ड इन नेचर का मतलब क्या है कि नेट चार्ज जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू। कि किसी भी कैपेसिटर के इनसाइड जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा, लेव हो जाएगा। तो ये जो क्यू चार्ज है, ये क्या है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर है उसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे क्या है, यानी कि नोड बता सकते हैं। तो यानी कि जितना चार्ज एंटर हुआ है उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि हम क्या बताएंगे, एंटरिंग चार्ज इज इक्वल टू लिविंग चार्ज, That is, charge remains conserved. Charge is conserved. Charge क्या रहेगा, हमेशा conserved रहेगा। तो यानी इस rule को हम क्या बोलते हैं, junction rule। कि मान लो आपके पास में क्या है, एक capacitor है, इस capacitor से यहाँ से जो है कितना एक charge जो है कितना इस तरह से आपके पास दिखा रखा है, यहाँ फिर एक capacitor लगा दिया, यहाँ से फिर से क्या लगा दिया, एक capacitor लगा दिया, और इधर क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। तो क्या हुआ, यहाँ से देखो इस बैटरी से, मान लो ये वी वन बैटरी है, ये क्या है वी टू बैटरी है, यहाँ से चार्ज गया, कितना चार्ज गया है, यहाँ से मान लो कितना चार्ज गया है, ये क्यू चार्ज गया, इसमें एंटर हुआ, यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक क्या आ जाएगा यहाँ पे कि जो है नोड बन गया ही। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे कि इसके अंदर जो चार्ज आएगा, इधर से कितना चार्ज आएगा, ये चार्ज मान लो क्यू टू चार्ज आ रहा है इस बैटरी से, इधर से हमने क्यू वन, और यहाँ पे आके दोनों चार्ज क्या हो गए, एंटर, यानी एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर गए। तो यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे तो कितना चार्ज आएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू, और इस पॉइंट पे आके क्यू टू किधर चला जाएगा, इसके थ्रू, और क्यू वन किधर आ जाएगा, क्यू वन यानी इस साइड आ जाएगा इस बैटरी थ्रू। तो ये क्या है, जंक्शन है। जितना चार्ज एंटर, इधर से कितना क्यू वन एंटर हुआ, इधर से कितना हुआ क्यू टू एंटर हुआ, इन दोनों का सम यानी सम में मिलेगा, और यहाँ पे फिर क्या हो, लीव आउट, लीव आउट यानी क्या हो गए, वापस फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यानी ये जो रूल है हमारे पास में क्या कहलाएगा, आपका जंक्शन रूल। जंक्शन रूल का मतलब यही है कि आपके पास में कोई भी कैपेसिटर जो होता है वो किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। यानी कि किसी भी जंक्शन के ऊपर जितना चार्ज एंटर कर रहा है, यानी कि ये मान लो आपके पास एक जंक्शन है, इस जंक्शन के ऊपर जितना चार्ज एंटर हुआ है, यहाँ पे आने के बाद इसको दो पास, यानी क्या होगी लिविंग। तो ये क्या कह रहा है, क्यू जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू के सम के इक्वल आएगा। नेट चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड इन नेचर रहेगा। तो हमारे पास में वैल्यू जो आ जाएगी उसकी वैल्यू ये आएगी। अब सेकेंड आता है हमारे पास में लूप रूल। लूप रूल देखिए क्या कहता है, एक बार दोबारा समझिए, जंक्शन रूल क्या कहता है, हम कैपेसिटर के अंदर जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आप किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसके अंदर हम कैसे सोल्व करते हैं, तो उसके लिए हम क्या बताते हैं, पहले यहाँ पे आने के बाद चार्ज कैसे डिवाइड हो गया, इधर से चार्ज चला गया, यहाँ से भी इस साइड चला गया उस साइड। तो यानी ये क्या है, जंक्शन है, नोड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नोड या फिर जंक्शन, यानी एक ऐसा नोड या जंक्शन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या होता है बहुत सारे चार्जेस जाके एक पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, मीट कर जाते हैं, और फिर वहां से सम से बाहर निकलते हैं, तो फिर से अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड होते हैं। तो वो पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास में, एक जंक्शन या फिर नोड कहलाएगा। तो ये क्या है, आपके पास में एक नोड है, ठीक है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल ये कहता है कि आपके पास जो कैपेसिटी है क्लोज चार्ज जब भी एंटर कर रहा है तो क्या होगा, उतना ही चार्ज लीव आउट रहेगा, यानी चार्ज हमेशा कैसा होता है, कंजर्विंग नेचर होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। अब लूप रूल देखिए क्या है, लूप जब भी आपके पास में कोई भी सर्किट क्लोज सर्किट होगा यानी लूप रूल, सेकंड की बात करें लूप रूल, तो ये देखिए आपके पास में ये क्या है, एक बैटरी है, ठीक है। जब भी ये क्या है, हाइयर पोटेंशियल, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। जब भी आप हाइयर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, ईएमएफ हमारा कैसा होगा, बी से हम नेगेटिव, ठीक है। अगर आप लोअर टू हाइयर मूव कर रहे हैं, ईएमएफ हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड हम क्या बताएंगे, अगर आप किसी भी कैपेसिटी के अक्रॉस, ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू है, अगर आप प्लस टू माइनस ऐसे मूव कर रहे हैं तो इस कैपेसिटी के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगी उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्यू बाई सी। लेकिन ये प्लस आएगी माइनस, यहाँ देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो कैसी वैल्यू आएगी, ये माइनस की, ठीक है। अगर आप हाइयर टू लोअर जा रहे हैं तो इस कैपेसिटी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू बाई सी आएगी, क्योंकि आप हाइयर पोटेंशियल से किधर जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, लोअर पोटेंशियल टू हाइयर जा रहे हैं, मान लो ये प्लेट हमारी कैसी है, माइनस की, ये प्लेट हमारी कैसी है, प्लस की, और आप कहां से मूव कर रहे हैं, लोअर टू हाइयर मूव कर रहे हैं, तो इस कैपेसिटी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगी इस कैपेसिटी के अक्रॉस किसके इक्वल आएगी बेटा, क्यू बाई सी। लेकिन वैल्यू कैसे आएगी, प्लस आएगी, क्यों, क्योंकि आप लोअर टू हाइयर जा रहे हैं। जब भी आप लोअर टू हाइयर जा रहे हैं तो हमारे पास में यहाँ पे इसके अक्रॉस यानी इस कैपेसिटी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो हम साइन कन्वेंशन कैसा लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप हाइयर टू लोअर जा रहे हैं यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो उस केस में हम क्या लेंगे, साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेंगे। तो ये क्या कहता है, लूप रूल। लूप रूल जो है ये कब अप्लीकेबल होता है, जब आपके पास में किसी भी सर्किट के अंदर अगर कैसा लूप है, क्लोज लूप है। तो हमारे पास देखो ये क्लोज लूप बन रहा है, दूसरा हमारे पास ये बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लोज लूप बन रहे हैं। तो इस क्लोज लूप के लिए हमारे पास क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले जो है लूप रूल ये बताता है कि आपके पास जब भी कोई क्लोज सर्किट होगा उस क्लोज सर्किट के अंदर टोटल नेट ईएमएफ होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द नेट ईएमएफ इन ए क्लोज सर्किट विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन ए क्लोज सर्किट विल बी जीरो, ठीक है। वो क्या कहता है, नेट चार्ज जो है वो क्या होता है, किसी भी जंक्शन के ऊपर जीरो होता है। उस केस में जैसे मैंने बताया था Q1 बराबर में Q बराबर Q1 प्लस Q2, आप इसको क्या ले सकते हैं, Q माइनस Q1 माइनस Q2 बराबर जीरो। तो यही से हमारे पास याद है, ये क्या कह रहा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, जो आपके लूप रूल है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है इसके अंदर, हमें सिर्फ यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सर्किट्स होते हैं, तो इस सर्किट्स को इजी बनाने के लिए हम इन रूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए हमें इन रूल्स की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा, क्योंकि हमारा सर्किट जो है वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उस सर्किट को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन रूल्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया है, क्या है आपके पास में, जंक्शन रूल है, और सेकेंड रूल आता है हमारे पास में क्या है, लूप रूल। अब देखिए मैं यहाँ से क्वेश्चन, सबसे पहले आपको ये जब भी आप क्वेश्चन करते हैं इसके, तो आप हमेशा कीप इन माइंड जो है क्या रखेंगे, अगर आप हाइयर टू लोअर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ईएमएफ कैसा लेंगे, बैटरी का नेगेटिव। अगर आप लोअर टू हाइयर जा रहे हैं तो बैटरी का ईएमएफ कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर आप किसी भी कैपेसिटी के अक्रॉस जा रहे हैं, जो कैसा कैपेसिटी है, चार्जिंग कैपेसिटी है, तो इस कैपेसिटी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ये कैसा प्लस, ये कैसा माइनस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा क्या आएगा, माइनस क्यू बाई सी। लेकिन अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, उस केस में हम क्या बताएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा इस कैपेसिटी के अक्रॉस क्या आएगा, क्यू बाई सी, और ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी हमारे पास। तो देखिए मैं इसके क्वेश्चन करवा रही हूँ, सबसे पहले हमारे पास इस क्लोज लूप का हम कैसे यूज करेंगे, जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें मैं Q1 Q2 की वैल्यू कैसे निकाल दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में, यही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसको मैं ऊपर बना रही हूँ। आपके पास में दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे एक कैपेसिटर होगी, ये जो हमारे पास में बैटरी लगा रखी है, एक बैटरी हमारे पास यहाँ से दे रखी है, ठीक है। क्या पूछा आपके पास में कि
फाइंड द कैपेसिटेंस, सॉरी फाइंड द जो है चार्ज बताना है, और साथ में आपने क्या बताना है, ए और बी। यहाँ पे आपके पास मान लो दो पॉइंट्स है ए और बी, इस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन आपके पास में ये है कि आपके पास में सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट से आपको क्या निकालना है, यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालनी है, इसकी क्यू वन क्यू टू की वैल्यू कैसी आएंगी। तो इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किट को पहले इजी बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये सर्किट है, ये मान लो कैपेसिटर आपके पास में सी, ये भी सी है, ये भी सी है, आपके पास ये बैटरी है जिसका EMF P1 है, इसका EMF हमने E2 ले रखा है, ठीक है। फर्स्ट कैपेसिटर ये कैसे जा रहा है, पॉजिटिव, तो यहाँ से मान लो कितना चार्ज आ रहा है, Q1, तो ये कैसा हो गया, प्लस Q, ठीक है। हमारे पास में यानी कैपेसिटर इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंगे, आपके पास यहाँ से इधर से क्या जाएगा, Q2 चार्ज आएगा, यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगी, प्लस Q2, और ये क्या आएगा, Q1, और ये माइनस Q1। अब यहाँ से बेटा ये एक नेगेटिव है, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से Q1 चार्ज आ रहा है, Q2 चार्ज आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, Q1, यहाँ पे नोड आ गया, इस नोड पे आते इधर से करंट आ रहा है, इधर से भी सामने जाएंगे, Q1 प्लस Q2, यहाँ पे आके फिर से ये इधर क्या चला गया, Q1, इस साइड क्या चला गया, Q2। सबसे पहले हमने चार्ज का ले लिया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से चार्ज निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कैसे निकालेंगे इस Q1 Q2 की वैल्यू को निकालने के लिए, देखो हम क्या बता रहे हैं, यहाँ से आपके पास एक सर्किट बन रहा है ए बी सी डी ई एफ, दो सर्किट बन रहे हैं मेरे पास। सबसे पहले बात कर रही हूँ इन द क्लोज लूप, ए बी सी डी, यानी हमारा पाथ ऑफ ट्रांसवर्सल ये है, आप किस साइड मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज, मैं ए बी सी डी ए ऐसे जा रही हूँ, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी हाइयर टू लोअर की तरफ। तो कैसा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस, नेगेटिव, तो क्या आएगा, माइनस Q1 प्लस Q2 बाई सी, ठीक है। अभी सामने आ जाओ, यहाँ पे हाइयर की तरफ, लोअर टू हाइयर गए, प्लस E1, इसमें आ जाओ, फिर ये क्या आ गया, माइनस हाइयर टू लोअर जा रहे हैं, तो माइनस Q1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E1 की वैल्यू क्या आ गई, Q1 बाई सी प्लस Q1 प्लस Q2 अपॉन सी। इक्वेशन आ गई, इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास ये लूप बन रहा है, इसके अंदर भी हम क्या लेंगे, ए बी एफ ई, तो लिखेंगे इन द क्लोज लूप ए बी एफ ई ए। इस क्लोज लूप के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां से हम इधर से ऐसे जा रहे हैं, तो यहां से की वैल्यू क्या आएगी, हाइयर टू लोअर जा रहे हैं, माइनस Q1 प्लस Q2 बाई सी प्लस E2, यहाँ पे इसके क्रॉस क्या होगा, माइनस Q2 बाई सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, Q2 बाई सी प्लस Q1 प्लस Q2 बाई सी। दो इक्वेशन आ गई यहाँ से, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे आप इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो सेकेंड से आएगी E2 इज इक्वल टू Q2 बाई सी प्लस Q1 बाई सी प्लस Q2 बाई सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ Q2 बाई सी प्लस Q1 बाई सी, क्या आएगा ये E2 आ गया, और यहाँ से हमारे पास में इसमें 2 टाइम्स ऑफ Q1 बाई सी प्लस Q2 बाई सी। इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट एंड सेकेंड को आप यूज करके क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। मान लो E1 E2 इनका कैसा है, दोनों का EMF अगर क्या दे रखा है, इक्वल दिया हुआ है, तो उस केस में हम इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में दो इक्वेशंस आ गए, और इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करके क्या निकाल सकते हैं, Q1 Q2 की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको यही सर्किट ध्यान रखना है, देखो पहले मैंने ये वाला क्लोज लूप लिया, या आपने यही साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। देखो ए बी मैंने पास, आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, मान लो ये मैंने ए बी लिया, आप ऐसे ए डी सी ए भी ले सकते हैं। इसमें फिर आपने देखना है पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव लगा दी, ये नेगेटिव है बेटा, आप लोअर टू हाइयर जा रहे हैं, कैसा होगा यहाँ पे क्यू बाई सी,
Q1/C पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें यहाँ लोअर टू हाइयर ये क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव भी प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो कर देना। मैं यहाँ से कैसे जा रही हूँ, ए बी सी डी ए इस पाथ में जा रही हूँ, तो यहाँ पे हम हाइयर टू लोअर जा रहे थे, इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा, नेट चार्ज क्या है यहाँ पे, Q1 प्लस Q2 दोनों आके मीट कर रही है, ठीक है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू Q/C होता है, तो यहाँ पे इस कैपेसिटर के क्रॉस टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2/C, और माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम हाइयर प्लेट से लोअर प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे। अब इस केस में देखें, यहाँ से बैटरी के क्रॉस जा रहे हैं, आप लोअर से हाइयर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जब ये क्या कर रहे हैं, आप लोअर टू हाइयर बैटरी की तरफ मूव कर रहे हैं पोटेंशियल की तरफ, यहाँ कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, इस केस में फिर हमने माइनस, ठीक है, इसी तरह से हमने इसमें और दो इक्वेशंस आ जाएगी, इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करके सोल्व कर सकते हैं, Q1 Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास यानी कि फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट को ए बोल रहा है, बी ए, और इस पॉइंट को बोल रहा है बी, ठीक है, तो VA और BB के बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के, देखो आपके पास दो बैटरी हैं, आपके पास एक कैपेसिटर जो लगे हुए हैं, पहले दोनों जो है 2-2 के हैं, ठीक है, बीच वाला जो कैपेसिटर है ये 3 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या पूछा बताइए, सी कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, हमें क्या करना है, इस 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, सबसे पहले हम देखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज रूल इसमें अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी से क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है, तो मान लो कितना चार्ज आ रहा है, क्यू चार्ज आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस, ठीक है, यहाँ से क्यू चार्ज गया, अब यहाँ पे आते ही नोड आ गया, नोड से क्या हो गया, दो पास आ गए इस पे, तो इस क्यू में से कुछ चार्ज इधर डिवाइड हो जाएगा और बचा हुआ चार्ज इधर चला जाएगा, तो मान लो इस में एक्स चार्ज चला गया है इस आर्म के अंदर, तो बचा हुआ किसमें, इसमें चला गया क्यू माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ से हम क्यू माइनस एक्स, यहाँ से फिर से आपके पास क्यू माइनस एक्स, और ये क्या आएगा फिर से, इधर से बेटा कितना चार्ज आ रहा है, ये एक्स, और इधर से कितना आया क्यू माइनस एक्स, दोनों एक जगह मीट हो जाएंगे, क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स, तो कितना चार्ज निकल जाएगा, क्यू चार्ज इधर फिर से चला जाएगा, जितना चार्ज यहाँ पे आके क्या हुआ था, डिवाइड हो गया था, अब यहाँ पे आते ही फिर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कितना एंटर हुआ था यहाँ से चार्ज, देखो इस पाथ इस लूप में कितना एक्स चार्ज एंटर हुआ था, तो एक्स इधर मिल गया, यहाँ से क्यू माइनस एक्स, दोनों एक जगह मीट हो जाएंगे, तो बचा हुआ कितना चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये लूप बन गया। अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 और 2 के बीच में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप अप्लाई करेंगे, तो लूप हमारे पास में कौन सा है, मान लो मैं इसको नाम दे रही हूँ ए बी सी डी ई एफ, तो ये लूप ले रही हूं मैं, इन लूप ए बी सी एफ ए, तो हम किधर से ऐसे जा रहे हैं, ए से बी कोई कैपेसिटर नहीं है, इसमें देखिए हाइयर टू लोअर जा रहा है, तो क्या आएगा माइनस क्यू बाई टू, ठीक है, माइक्रो है तो 10^-6, इस हमें देखिए इधर जा रहे हैं, ये कैसा है आपके पास में नेगेटिव, यानी कि आपके पास में कैसी जा रही है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, हमारे पास ये आ गया, तो यहां से देखिए इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, हाइयर टू लोअर जा रहे हैं, तो इसमें भी क्या आएगा माइनस एक्स अपॉन सी इंटू 10^-6 माइक्रो में होगा, इसके अंदर क्या आएगा ये प्लस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, इसके क्रॉस यानी कैपेसिटेंस हमारे पास क्या दिया होता, किसी दिया होता, तो इसके फर्स्ट लूप के क्रॉस हमने क्या लिख दिया, यानी कि एक्स वाई सी माइनस कर लिया, तो यहाँ से आपके पास टू किसके इक्वल आ गया बेटा, क्यू अपॉन टू इंटू 10^-6 प्लस एक्स अपॉन सी इंटू 10^-6 हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो लूप इसकी बात कर रहे हैं, अब हम किसकी लेंगे, सेकेंड लूप की बात करेंगे, तो सेकेंड लूप के अंदर हम किधर से, यानी इस तरह से यूं जा रहे हैं, ठीक है, एफ सी डी ई इन क्लोज लूप एफ सी डी ई एफ, तो इस क्लोज लूप के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एफ से किधर जा रहे हैं, सी में ये लोअर टू हाइयर जा रहे हैं, तो वैल्यू कैसी आएगी, प्लस आएगी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस एक्स वाई सी इंटू 10^-6, अब इसके अंदर जा रहे हैं हाइयर टू लोअर जा रहे हैं, हाइयर टू लोअर जाएंगे कैसी वैल्यू आएगी, पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, तो यानी माइनस क्यू माइनस एक्स अपॉन
2 × 10⁻¹. अब यहाँ से हाइयर टू लोअर, तो ये क्या आ गया आपके पास में, +2 = 0। ठीक है, तो यानी हम इस पाथ ऑफ ट्रांसफर से 92 पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे, तो उस केस में हमारे पास में क्या आ गया, 2 + xyc − q − x + 2, यानी इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि x2 = q − x / 2 × 10⁻¹ − x / c × 10⁻¹। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये भी 2 के इक्वल आ रही है, ये भी 2 के इक्वल आ रही है। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं, हमारे पास रिजल्टेंट जो आता है किसके इक्वल आएगा, 2 × 10⁻¹ + x / c × 10⁻¹ = q − x / 2 × 10⁻¹ − x / c × 10⁻¹ आ गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास इसको आप अलग अलग सिंप्लीफाई करिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, q / 2 × 10⁻¹ − 6 + x / c × 10⁻¹ − x / c × 10⁻¹ = इसको आप अलग अलग खोल सकते हैं, q / 2 × 10⁻¹ − 6 − x / 2 × 10⁻¹ − 6। तो बेटा आपके पास ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव थ्रू आउट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये x क्या आ जाएगा, थ्रू आउट सेम आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इनका नीचे एलसीएम सेम है, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 2x, इसके बाद मैं यहाँ लेके जा रही हूँ इसको, 2 × 10⁻¹ − 6 = x / 2 × 10⁻¹ − 6। तो ये इससे कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल, तो यानी आपके पास क्या आ गया, ये 2 c = 1/2, तो c = हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ये तो क्या आया, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल दी। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है हमारे पास में क्या आ गई है, 4 आ गई है। अब हमें निकालना क्या था, x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में इसकी वैल्यू जो है, यहाँ पुट कर दो तो आपके पास में x की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इस क्लोज लूप की बात करनी थी कि आपके पास में इस क्लोज लूप के अंदर वैल्यू कैसे आएगी। देखिए बच्चों, आपके पास यहाँ वैल्यू कैसी आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस और लगाएंगे, तो ये हमारे पास देखो वैल्यू क्या आएगी, माइनस की वैल्यू आ रही है, तो माइनस का हम ऐसे थ्रू आउट कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या है, इन दोनों के डिफरेंट है। तो आपके पास में ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, 2 × xyc + x / 2 = 0। तो यहाँ से आपके पास में, यानी x कॉमन है, तो ये क्या बच गया, 2 c + 1 / 2 = 0। तो इसका मतलब क्या है, x क्या हो गया यहाँ, 0, x 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस आर्म के अंदर 1 2 जो ये आर्म हमने ले रखी थी, x क्या था, इस आर्म के अंदर चार्ज आ रहा था, तो यानी इस आर्म के अक्रॉस जो चार्ज आ रहा है, यानी जो कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो इस x की वैल्यू क्या है, 0, यानी ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे इस आर्म के अक्रॉस ये दोनों पॉइंट जो है इस पे है सेम पोटेंशियल के ऊपर। यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि इस आर्म के अक्रॉस 1 और 2 जो आर्म है, ये पॉइंट्स है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है, जब 0 आ रही है, जब हमने चार्ज इधर x क्या मान रखा है, चार्ज है ये, अगर इस x की वैल्यू 0 आ रही है, तो पोटेंशियल जो आएगा इस 1 और 2 पॉइंट्स के बीच में भी, पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है,